दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें। खुश रहना हर व्यक्ति का अधिकार है। खुश रहना एक कला है और इस कला को सबको सीखना चाहिए। आजकल के इस भागदौड़ भरी दुनिया में सब इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए और दूसरों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लोग खुश रहने के लिए इतना काम करते हैं कि अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने के लिए भाग दौड़ करते हैं, फिर भी लोगों को खुशी नहीं मिलती। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को खुश रखने के लिए समय ही नहीं है किसी के पास। खुश रहना एक सुखी जीवन जीने का हिस्सा है। आपका खुश रहना ये बताता है कि आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, तो आप किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकते। आपको हर परेशानी, हर दिक्कत बड़ी लगने लगेगी। इन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए हमेशा खुश कैसे रहें, यह आपको पता होना चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं खुश रहने के कुछ मूल मंत्र। ऐसे काम करें जिससे आपको खुशी मिले। वह कार्य करें जो आपको पसंद हो, आपको खुशी देता हो, जिनको करने से आपको मजा आए। जिन कार्यों को करके आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे कार्य आपको खुशी देंगे और ऐसे कार्यों में आपका मन भी लगा रहेगा। दूसरों से अपनी तुलना ना करें। स्वयं की तुलना दूसरों से करना गलत है। हर व्यक्ति अलग होता है। किसी के अच्छे कर्मों की प्रशंसा करना सही है, पर किसी से स्वयं की तुलना करना गलत है। किसी की तुलना स्वयं से करने से खुशी नहीं मिलती। इसलिए जो आप हैं और जो आपके पास है, उसी में खुश रहिए। रचनात्मक और नई चीजें करें। जीवन में हमेशा कुछ नया और अलग करते रहना चाहिए। क्या पता आपको कोई नई चीज पसंद आ जाए। नई चीजें करने से आपको खुशी मिलेगी। रिश्तों में स्पष्टीकरण रखें। आपका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, अपने भाई से लड़ाई हो गई या किसी दोस्त से मन मुटाव हो गया, तो आप अपने मन में कोई ना कोई बात रहने देते हो, उसे कहते नहीं। तो अगर आप उसे वो बात बताएंगे ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने दिल में यह बात रखे बैठे हो। वो बात आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी, क्योंकि आप अपने मन में एक गुस्सा, एक मलाल रख के बैठे हो। अपने दिल के ऊपर ये मलाल का, नाराजगी का, गुस्से का जो मन मुटाव रख के बैठे हो, उसे उतार दो। आपस में बैठ के प्यार से वो बात उसे बताएं। रिश्ते भी सुधरेंगे और खुश भी रहना सीख जाएंगे। अपने आप पर भरोसा। अगर आपको खुद पर विश्वास है, तो आप हर बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। खुद को समय दें। खुश रहने के लिए अपनी मनपसंद चीजें करना जरूरी है, और आप यह तभी कर पाएंगे जब आप खुद के लिए समय निकालेंगे। खुद को इस व्यस्त जीवन से थोड़ा समय देंगे तो आप अपनी मनपसंद चीजें कर पाएंगे। इसीलिए खुद को समय दीजिए और खुश रहिए। सकारात्मक सोचो। जीवन में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अच्छा और सकारात्मक सोचेंगे तो खुश रहेंगे। दूसरों के साथ खुशियां बांटें। यह तो आप जानते ही हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोगों को दुख दोगे तो आपको भी दुख ही मिलेगा। तो हमेशा सबको खुशी दीजिए। लोगों के साथ खुशियां बांटिए। ऐसा करने से आपको भी खुशियां ही मिलेंगी। खुश लोगों से मिलें। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वो दूसरों को भी खुशियां ही देते हैं। ऐसे लोगों से अच्छी अनुभूति होती है। इसलिए हमेशा खुश मिजाज लोगों से मिलिए। ऐसे लोग आपको भी खुशी देंगे। उनसे खुश रहने के राज पता कीजिए और इन्हें जीवन में उतारिए। पसंदीदा किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें
आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, आपको तनाव से दूर रखती हैं। खुश रहने के लिए अपने मन पसंद की और अच्छी किताबें पढ़िए। पुरानी अच्छी बातें याद रखें। जब भी आप किसी बात पर उदास हों, आपके पास करने के लिए कुछ ना हो, तो अपनी अच्छी बातों को याद करें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाएगी। परिवार को समय दें। आपको थोड़ा समय अपने परिवार को भी देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। समय मिलने पर परिवार के साथ बाहर घूमने जाएं, उनके साथ रहें। अच्छी नींद लें। जब भी हम अच्छे से नहीं सोते हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं, हम चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, उदास रहते हैं। भरपूर नींद ना लेने से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और मानसिक तनाव भी होता है, इसलिए भरपूर नींद लें। भरपूर नींद लेने से आपका पूरा दिन खुशी खुशी निकलेगा, आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। हमें हर छोटी चीज में खुशी देखनी चाहिए। हमारी छोटी से छोटी सफलता पर भी खुशी मनानी चाहिए। अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त हमेशा आपको खुशी देते हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ देते हैं। आप उनसे हर अच्छी बुरी बात साझा कर सकते हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें और आपको खुशी दें। बुरी आदतों और गलत लोगों से दूर रहें। बुरे लोग और बुरी आदतें आपको हमेशा परेशानी में ही डालेंगे, आपको खुश नहीं रहने देंगे, इसलिए बुरे लोगों और बुरी आदतों से हमेशा दूरी बनाए रखिए। ज्यादा की इच्छा मत करो। ज्यादा इच्छा रखना आपको परेशानी में डाल सकता है। आप हमेशा ज्यादा की इच्छा रखेंगे तो उसको पूरा करने के लिए आप हर अच्छी बुरी चीज करेंगे, इसलिए हमेशा ज्यादा की इच्छा रखना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। कल की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। अगर आप हमेशा कल के बारे में सोचते रहेंगे कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, कल हम क्या करेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए कल की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दीजिए। अपने आज को हंसी खुशी जिए और अपने आज को खुशनुमा बनाएं। खुश रहना आपका हक है, इसलिए हमेशा खुश रहिए और वो चीजें करिए जो आपको खुशी देती हैं। बुरी बातें और बुरे लोगों से दूर रहिए। खुश रहने वाले लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, इसलिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा।